दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी मूवी रिएक्टर पर। दोस्तों आज की मूवी कहानी एक ऐसी औरत की जो मरने के बाद भी प्रेग्नेंट होकर के जिंदा हो जाती है। इस मूवी का नाम है ब्लड हंटर्स। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत हम एली नाम की औरत को देखते हैं जो बहुत बीमार दिखाई दे रही होती है। वो भागती हुई सड़क पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एली को हम एक बंद कमरे में देखते हैं। वो एक बेड पर बंधी हुई होती है, तभी एली को होश आ जाता है। एली जब अपने आसपास देखती है तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। ये कमरा किसी हॉस्पिटल के रूम जैसा दिखाई दे रहा होता है। इस कमरे में एक और आदमी होता है जो बहुत ही ज्यादा घायल दिखाई दे रहा हो, उसे किसी ने बुरी तरह से घायल कर रखा होता है। अब एली अपने आप को खोलने की कोशिश करती है और पास में रखे टूल्स में से एक कटर को उठा लेती है और उसकी मदद से एली अपने आप को खोल लेती है। तभी एली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो हैरान रह जाती है। इसके बाद एली उस आदमी से उस दरवाजे का पासवर्ड पूछती है जिससे कि वो इस कमरे से बाहर निकल सके। वो आदमी एली को पासवर्ड बताने के बाद मर जाता है। इसके बाद एली वहां पर रखे ड्रग्स को उठा लेती है और दरवाजा खोल करके वहां से बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये एक हॉस्पिटल होता है जहां पर बहुत सारे और भी डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें किसी ने बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया होता है और बहुत से लोग मर चुके होते हैं। एली ये देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे लग रहा होता है कि वो अकेली है और यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगी। तभी एली के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसके पेट में हलचल होती है, इसलिए एली दर्द को कम करने के लिए ड्रग्स ले लेती है। इसके बाद एली वहां से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर और भी कोई है और वो एक कमरे में पहुंचती है जहाँ पर एक आदमी और होता है जिसे एली की तरह ही बांध कर रखा गया होता है। वो आदमी एली को अपना नाम बताता है, उसका नाम हेनरी होता है। हेनरी एली से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे खोल दे। एली हेनरी की मदद करती है और उसे खोल देती है। तभी एक वहाँ पर क्रीचर्स आ जाता है, लेकिन ये इन दोनों को कोई नुकसान नहीं कर पाता क्योंकि ये दोनों लाइट में होते हैं। तब हेनरी बताता है यहाँ पर अजीब से क्रीचर्स आ गए हैं जिन्होंने यहाँ के सभी फैसिलिटी को मार दिया है। लगता है हम ही जिंदा बचे हैं और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जल्दी यहाँ का पावर जनरेटर बंद होने वाला है और यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। तभी स्पीकर पर किसी की आवाज आती है और ये कोई लेडी होती है। हेनरी उससे बात करने लगता है। लेडी उन्हें एग्जिट पर आने के लिए कहती है और एग्जिट का रास्ता भी बता देती है। तभी एली को फिर से दर्द होने लगता है। इसके बाद हेनरी एली की मदद करता है और व्हील चेयर पर एली को बिठा करके ये दोनों एग्जिट पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो लेडी होती है जिसका नाम मारियन होता है। एली मारियन से पूछती है कि यहां पर उसे कौन लेकर के आया है। तब मारियन बताती है उसे नहीं पता, वो सिर्फ यहाँ की फैकल्टी के लिए सिक्योरिटी के लिए काम करती है और तुम्हें यहाँ पर शायद एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया होगा क्योंकि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर डॉक्टर अलग अलग लेडीजों पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये पूरा का पूरा रिसर्च सेंटर धरती में बना हुआ, यानी कि ये पूरा का पूरा रिसर्च सेंटर अंडरग्राउंड है। मैरियन बताती है कि पिछली रात लाइट चली गई थी जिसके बाद इन क्रीचर्स ने हमला कर दिया और यहाँ के फैकल्टी के लोग मारे गए। इसके बाद हेनरी दरवाजा खोलने के लिए कहता है। मैरियन कहती है मैंने सारे के सारे एग्जिट कार्ड यूज कर लिए लेकिन इनमें से कोई काम नहीं कर रहा है। मैरियन बताती है अब सिर्फ बी कार्ड वाला ही इस दरवाजे को खोल सकता है जो कि यहाँ के सिर्फ 10 फैकल्टी के पास है। अब हमें उन्हें कार्ड को ढूंढना होगा जिससे कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब जल्द ही अंधेरा होने वाला है क्योंकि सूर्योस्त होने वाला है और जल्द ही पावर जनरेटर भी बंद होने वाला होता है। इसके बाद मैरी इन दोनों के साथ में एक कमरे में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर अभी भी कैंडल्स चल रही होती हैं जिन्हें किसी ने अभी अभी जलाया होता है। इससे इन्हें पता चल जाता है कि उनके अलावा अभी भी कोई जिंदा है। एली की हालत भी खराब हो रही होती है क्योंकि उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इन्हें कुछ इंसानों की आवाज सुनाई देती है जिन्हें बचाने के लिए हेनरी जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले मारियन हेनरी को वॉकी टॉकी देती है जिससे कि वो दोनों आपस में संपर्क कर सके और बता सके कि वहां पर क्या हो रहा है। जब हेनरी उन दोनों आदमी के पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि इनमें से एक प्रीस्ट यानी पुजारी है और दूसरा सर्जन होता है जो डॉक्टर होता है। डॉक्टर के एक हाथ को उन क्रिएचर्स ने काट लिया होता है। तभी पावर चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और इनके पास कुछ क्रिएचर्स भी आने लगते हैं। इससे पहले हेनरी इन दोनों के साथ में एली और मारियन के पास पहुंच जाता है। तब हमें पता चलता है इस डॉक्टर का नाम जॉर्ज है और ये सर्जन होता है। तभी जॉर्ज एली को जिंदा देख करके हैरान रह जाता है क्योंकि वो इतने दर्द के बाद भी अभी भी जिंदा है। जॉर्ज एली को बताता है कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा है वो इन क्रीचर्स का ही बच्चा है, इसलिए इसे जल्द से जल्द तुम्हारे पेट से निकालना होगा नहीं तो तुम मर जाओगी। इसके बाद जॉर्ज एली की सर्जरी के लिए कुछ
दवाई और इंजेक्शन लाने के लिए कहता है जो यहाँ की लैब में होती है। मारियन प्रीस्ट के साथ में इन दवाइयों को लेने के लिए लैब में पहुंच जाती है। अब मैरियन प्रीस्ट के सामने कुछ कन्फेस करना चाहती है, वो कुछ अपना सच बताना चाहती है। इसके लिए प्रीस्ट उससे कहता है तुम बेझिझक बता सकती हो। तब मैरियन बताती है इन क्रीचर्स को उसने ही बाहर निकाला है क्योंकि उसे लगा यहाँ के डॉक्टर्स इन क्रीचर के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये क्रीचर इतने खतरनाक होंगे जो यहाँ की फैकल्टी को भी मार सकते हैं। ये सब सुनकर के प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अभी लैब में भी वो क्रीचर्स आ जाते हैं और मैरियन को पकड़ लेते हैं। तब मैरियन प्रीस्ट को उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन प्रीस्ट उसकी मदद नहीं करता है और वो दवाई लेकर के चला जाता है। लेकिन मैरियन के पास टॉर्च होती है जिसकी मदद से वो उन क्रीचर्स से लड़ने लगती है। लेकिन जब प्रीस्ट एली के पास पहुंचता है तो एली उससे मैरियन के बारे में पूछती है, तो प्रीस्ट बताता है कि वो मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज एली की सर्जरी करने लगता है जिसके लिए वो हेनरी की मदद मांगता है क्योंकि जॉर्ज के एक हाथ में चोट लगी हुई होती है। इसलिए हेनरी एली को एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि उसे ज्यादा दर्द ना हो। हेनरी और जॉर्ज मिलकर के एली के पेट से उस बच्चे को निकाल देते हैं। जैसे ही वो बच्चा एली के पेट से निकलता है तो वो मर जाता है। तभी मैरियन भी आ जाती है और वो प्रीस्ट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ करके आ गया था। तभी एली के पीछे पीछे एक क्रीचर्स भी इस रूम में आ जाता है। मैरियन इस क्रीचर्स को मार देती है। इसके बाद जॉर्ज एली की सर्जरी के बाद उसके पेट को बंद कर देता है। इसके बाद एली जॉर्ज से पूछती है उसे यहाँ पर कौन लेके आया और उसका बेटा कहाँ है। इस पर जॉर्ज बताता है कि तुम रोड पर पड़ी हुई थी और तुमने ड्रग्स लिए थे और ड्रग्स की वजह से तुम्हारी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद हमारी कंपनी की फैकल्टी तुम्हें यहाँ पर लेकर के आ गई क्योंकि हम मरे हुए लोगों को जिंदा करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके लिए हमें तुम्हारी लाश की जरूरत थी। जॉर्ज बताता है कि मरने के बाद इंसान का दिमाग कुछ टाइम तक जिंदा रहता है। अगर उस दिमाग की याद में जहाँ पर मेमोरी होती है, जहाँ पर जीवन की सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, अगर उस जगह पर इलेक्ट्रिक केमिकल को डाला जाए तो इंसान जिंदा हो सकता है और तुम जिंदा भी हो गई। जब एली अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में पूछती है तो जॉर्ज बताता है कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमें पता नहीं चल रहा था कि इंसान जिंदा तो हो रहा था लेकिन उनके अंदर ये क्रीचर्स जिंदा होने लगे थे और हम इन क्रीचर्स को पिंजरे में बंद करते चले गए। तुम्हारी तरह और भी लेडी थी लेकिन वो सारी की सारी मारी गई इन क्रीचर्स की वजह से, लेकिन तुम पता नहीं कैसे जिंदा बच पाई। जल्द ही इस कमरे की कैंडल भी बंद होने वाली होती है, इसलिए ये लोग दूसरे कमरे में जाने लगते हैं। तभी जॉर्ज के हाथ में से दवाई गिर जाती है जिन्हें उठाने के चक्कर में ये क्रीचर्स जॉर्ज को पकड़ लेते हैं और मार देते हैं और उसका खून पी जाते हैं। अब एली, जॉर्ज, मारियन और प्रीस्ट ही बचे होते हैं। ये लोग छुपते छुपाते उस एग्जिट गेट तक पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रीस्ट के पास यहाँ के एग्जिट कार्ड है जिस पर कि बी बना होता है, वो दरवाजे को खोल देता है और इसके बाद ये सब लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं और उस गेट को भी बंद कर देते हैं जिससे कि वो क्रीचर्स हमेशा हमेशा के लिए इसी हॉस्पिटलिटी में बंद रह जाते हैं। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि एली अपने बेटे के पास चली जाती है जो अब तक एक स्कूल में होता है जिसे उसके मरने की खबर भी नहीं होती है। और इस तरह से इस मूवी का अंत होता है। और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।